Hey, how's it going everyone? My name is Madip and welcome back to Himlands. मेरा एक बहुत ही प्यारा वर्ल्ड जिसके अंदर आजकल बहुत ज्यादा तबाहियां चल रही है. एंड लास्ट एपिसोड तो गाइस तुम लोगों को याद ही होगा, पिछले वाले एपिसोड में भी यहाँ पर एक बहुत ही घमासान युद्ध हुआ था. तो लास्ट एपिसोड में गाइस मेरे दोस्तों ने क्या किया, मेरे कुछ विलेजर्स को, कुछ बहुत ही ओपी विलेजर्स को चोरी कर लिया था. एंड जब मैं अपने विलेजर्स को छुड़ाने के लिए गया, उन लोगों ने गाइस मुझे जेल के अंदर डालने की कोशिश करी, लाइक लिटरली जेल के अंदर डालने की कोशिश करी. बट इन द एंड अपने बिग ब्रेन का इस्तेमाल करके मैं वहां से एस्केप कर गया. एंड अगर गलती से मैं वहां पर एस्केप नहीं करता ना, तो इस वक्त मैं भाई जेल के अंदर चक्की पीस रहा होता, तुम लोगों के सामने ऐसे यहाँ पर खड़ा नहीं होता खुला. बिकॉज इन लोगों ने गाइस जो इस वर्ल्ड के अंदर जेल बनाई है ना, वो इनएस्केपेबल है. मतलब इतनी खतरनाक कि वहां से एस्केप करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. एंड अभी तक मुझे आइडिया नहीं कि इन लोगों ने वो प्रिजन कहाँ बनाई है, वरना मैं वहां पर जाकर थोड़ी बहुत ना इंस्पेक्शन कर सकता हूँ. बट उसकी लोकेशन इन लोगों ने भाई एकदम सीक्रेट रखी हुई है, भाई पता ही नहीं है कहाँ पर बनाई है इन लोगों ने वो. सो मुझे गाइस मेक श्योर करना पड़ेगा कि फ्यूचर के एपिसोड्स में भी बस मैं इनके गेड़े में ना फंसूं और ये लोग मुझे यहाँ से प्रिजन के अंदर लेकर ना जाए. बिकॉज एक बार प्रिजन के अंदर पहुंच गए तो भाई एस्केप करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए. तो इन लोगों ने कहा जो लास्ट एपिसोड ने मेरे साथ किया ना, मेरे विलेजर्स को चोरी करके, उसके बाद मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आया. एंड इन द एंड मैंने भी गाइस कुछ बहुत ही इविल काम किया. इन लोगों के मैंने घोड़ी चोरी कर दी है, दो घोड़े गाइस वहां पर रखे हुए थे एंड उनको लेकर मैं अपने इस वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ. एंड अब मेरा प्लान ये है गाइस कि इन लोगों को मैंने वो घोड़े वापस करने ही नहीं है. मतलब इन लोगों ने मुझे इतना तंग किया था, थोड़ा ट्रोल करना तो मेरा भी बनता है मेरे दोस्तों को यार, क्यों, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है यार. तो मेरा प्लान है कि इनके वो घोड़े मैंने वापस करने ही नहीं, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ. मैंने एक बहुत ही बिग ब्रेन स्ट्रेटेजी बनाई है यहाँ पर भी, किस तरीके से मैं इनको ट्रोल कर सकता हूँ. तो तुम लोगों को पता होगा कि यहाँ से नीचे गाइस हमारा वो माइनिंग वाला एरिया आता है, तो यहाँ पर बैठ कर जाएंगे. एंड यहाँ से नीचे मैंने एक ऐसी जगह पर इनके घोड़ों को छुपा के रखा है ना कि ये लोग अगर पहुंचते भी वहां पर, तब भी इन लोगों को पता नहीं चलेगा कि इनके घोड़े वहां पर है कि नहीं है. बिकॉज मुझे पता था कि ये लोग डेफिनेटली अपने घोड़ों को ढूंढने की कोशिश तो करेंगे. और अगर इनके घोड़ों के सीक्रेट लोकेशन में तुम लोगों को भी रिवील करने वाला, उससे पहले लाइक गेम रख देते हैं. इस वीडियो का लाइक है पूरे के पर 250,000 लाइक्स. आई नो कि तुम लोगों को बहुत मजा आ रहा है इन एपिसोड में, मुझे खुद मजा आ रहा है यार, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है. एंड गाइस नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसी धासु धासु वीडियोस आने वाली है इस वर्ल्ड की. एंड एंजॉय द वीडियो. तो देखो यहां से हमारी जो रेल जा रही है, ये हमारी नीचे वाली माइनिंग एरिया के लिए जा रही है, जहां पर हमारा वो मकड़ी वाला एक्सपी स्पॉनर है. और ये इतना बड़ा एरिया है गाइस कि देयर इज नो वे कि ये लोग यहां पर अपने घोड़ों को ढूंढ सकते हैं. जस्ट चेक दिस आउट गाइस, यहाँ पर तुम लोगों को कुछ गड़बड़ लग रही है नहीं, बट देखो यहाँ पर, यहाँ से पीछे है गाइस हमारा वो सीक्रेट एरिया. एंड वहां पर देखो गाइस उनके घोड़े मैंने रखे हुए हैं. अब यहाँ पर भी गाइस एक प्लॉट ट्विस्ट है. ओके, यहाँ से लीवर चाहिए नीचे, इसको खोलते हैं. जब हम लोग यहाँ से आगे के लिए जाएंगे ना, तो देखो गाइस ये जो दो घोड़े है ना, ये एक्चुअली इनके असली वाले घोड़े नहीं है. अब देखो मैंने इनको इसी तरीके से ट्रोल करना है. यहाँ पे देखो ये दोनों गाइस दो नकली घोड़े हैं. अब मतलब थोड़े बहुत सिमिलर टाइप का टेक्सचर है इनका, बट नहीं एग्जैक्ट सेम. एंड जो गाइस इनके असली वाले घोड़े हैं ना, वो मैंने कहाँ रखे हैं, मैं तुम लोगों को दिखाऊं. यहाँ से अगर मैं दो ब्लॉक नीचे खोदेगा एंड यहाँ से खोदेगा, तो देखो गाइस नीचे है इनके असली वाले घोड़े. और अगर गलती से इनको पता चल गया कि ये इनके नकली वाले घोड़े हैं, तो देर इज नो वे कि ये लोग इन्हीं के नीचे जाकर चेक करेंगे ढूंढने के लिए. वो वर्ल्ड में हर जगह खुदाई कर देंगे, बट इनके नीचे जाकर नहीं खोदने वाले हैं. सो या तो अभी जितना ज्यादा मैं मेक श्योर कर सकता हूँ मैं करने वाला हूँ कि इन लोगों को पता ना चले. तो देखो इसका नाम है चंपू और इसका नाम है ट्रीको. तो देखो गाइस यहाँ पर मैंने बना लिया अपने लिए एक एनविल, और इस वाले का नाम था गाइस ट्रीको, ठीक है, और इस वाले का नाम था चंपू. ओके, याद रखना पड़ेगा चंपू यही था ना हमारा. हाँ ये वाला चंपू था हमारा. लेट्स गो, अब इसको तोड़ देते हैं और यहाँ से ऊपर चलते हैं. एंड नाउ आई हैव टू मेक श्योर मेरे को अब ऊपर से गाइस स्टील टच वाली पिकैक्स लेकर आनी पड़ेगी, ताकि मैं इसको यहाँ पर चेंज कर सकूं, वरना यहाँ से पता चल जाएगा इनको डेफिनेटली कि इनके घोड़े यहाँ से नीचे हो सकते हैं. ओके, तो ये वाला है हमारा चंपू और ये वाला है हमारा ट्रीको. इनको बिल्कुल पता नहीं चलने वाला है. एंड लेट्स सी कि कितना एपिसोड हम लोग निकाल सकते हैं इनको बिना पता चलवाए. ओके, अब मेरे को एक बार ऊपर जाना पड़ेगा और ग्लासेस लेकर आने पड़ेंगे एंड साथ ही साथ सिल्टस लगाकर लेकर आना पड़ेगा मेरे को इसके लिए, इसको यहाँ पे छुपाने के लिए. और गाइस तो सिल्टस लगाकर आ चुका हूँ, वहां पर मैंने चेंज कर दिया फ्लोर को भी, और यहाँ से इसको मैं बंद करने वाला हूँ. एंड इसको तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना यहाँ से शक हो जाएगा. एंड दैट्स इट, हो गया हमारा काम. You, let's go. अब इन लोगों को इनके घोड़े तब मिलेंगे जब मेरे इस वर्ल्ड के अंदर एकदम शांति होने वाली है, वरना इनके घोड़े भाई कैप्चर हो चुके हैं हमेशा के लिए. Yes. इन लोगों को ये पता चलना चाहिए कि भाई आप स्मार्टी पाई के वर्ल्ड के अंदर आकर स्मार्टी पाई के साथ पंगे नहीं ले. वो अबे वो बंदा वहां पर भी बस पाई कर रहा है, ड्रीम बॉयज की ऐसी की तैसी. ओए क्या कर रहा है ये, हेलो क्या देखने आया था भाई, घर देख रहा मेरे वर्ल्ड के अंदर आप लोग एंट्री नहीं मार सकते हो. घर देख रहा था स्मार्टी पाई,
नहीं क्यों भाई, अब इसको भरना पड़ेगा। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा भाई। अच्छा, मैं नहीं छोड़ूंगा भाई, हाथ लगाओ। मैं नहीं छोड़ूंगा भाई, हाथ लगाओ। नहीं छोड़ूंगा भाई, स्मार्टी पाई भाई। तुम लोग मेरे वर्ड गारंटी नहीं मार सकते। मैंने एक रेखा लगाई थी ना वहाँ पे, ऐसी तैसी तुम्हारी रेखा नहीं है। आपकी क्या रेखा, ऐसी की तैसी क्या रेखा, आप क्या सीन है, क्या सीन है? ओ भाई बच गया, बिग ब्रेन, बिग ब्रेन। अब बच के दिखाओ स्मार्टी पाई, बियर से बच के दिखाओ। अरे भाई ये बंदा स्केप कर गया। मैं तो जा रहा हूँ, इससे पहले मैं पिटू भाई, इससे पहले मेरे को यहाँ मारे, मैं निकल रहा हूँ भाई। बच गया यार, कहाँ गया ये? बड़े तो मेरे हाथ लग गया ना ड्रीम बॉयज के बाद, छोड़ूंगा नहीं कसम से। ठीक है भाई, पकड़ तो लो। ओ भाई बंदे ने क्या ट्रैप बनाया हुआ था, बियर और बियर के बच्चे को साथ रखा हुआ था, उससे क्या हो गया? बिकॉज हम लोग बियर के बच्चे के पास जाते हैं तो बियर की जो माँ होती है वो हमको हमला करती है, और कितना फास्ट फास्ट हमला करी थी भाई। मेरी शील्ड भी ऑलमोस्ट जाने वाली थी एंड मैं ठुकने वाला था अभी यहाँ पे। ओ माई गॉड, मैं बच गया। लाइक सीरियसली गाइज, मैं बच गया हूँ अभी इस वक्त। ओके, अब मेरे इस वर्ल्ड के अंदर भाई सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये लोग ना ऐसे ऐसे ट्रैप्स बना देते हैं जिससे बचना लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है भाई। पता नहीं कैसे बच गया हूं मैं अभी। मेरे दिमाग में एक और आइडिया आ रहा है, मुझे पता क्या करना पड़ेगा गाइस, मुझे ना बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड बनना पड़ेगा। एंड ओवर पावर्ड बनने की गाइस एक बहुत ही मस्त रेसिपी है मेरे पास। देखो मैं पता क्या करने वाला गाइस अभी ना, एक सेकंड मैं नीचे जाता हूँ मेरे कैसल के अंदर। मैं वहां से गाइस अपने लिए वो लेकर आना चाहता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, मैं यहाँ से अपने लिए ब्लेज रॉड्स निकालना चाहता हूँ। बिकॉज मैं पता क्या करना चाहता हूँ ना, मैं गाइस अपने लिए यहाँ पर बनाना चाहता हूँ वो क्या बोलते हैं उसको, लिंगरिंग पोशंस। तुम लोगों को पता है लिंगरिंग पोशन होता क्या? एक्चुअली लिंगरिंग पोशन क्या होता है गाइस, कि जब हम लोग एंड में जाते हैं, जब हमारे ऊपर एंडर ड्रैगन वो अपनी ड्रैगन ब्रेथ छोड़ता है और ऐसे हवा में ऐसे यूं फ्लोट करी होती है ना, तो हम लोग किसी भी पोशन को वैसा बना सकते हैं। सपोज करो अगर मेरे पास लिंगरिंग पोशन ऑफ इंस्टेंट डैमेज होगा भाई, 3 सेकंड के अंदर 3 बंदे खत्म, जड़ से खत्म हो जाएंगे। और लिंगरिंग पोशन इतना खतरनाक होता है कि फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास आयरन का आर्मर है चाहे नेदरराइट का आर्मर है, प्रोटेक्शन 4 का सेम डैमेज मिलता है। तो मुझे अगर वो वाला पोशन इस वीडियो में मैंने बना दिया ना, तो मैं उसको उससे मार सकता हूँ। एंड यहाँ से गाइस मेरी ब्लेज रॉड गायब है। आई नो कि मेरे पास यहाँ पर कहीं पर मैंने ब्लेज रॉड रखी हुई थी इस चेस्ट के अंदर, और ब्लेज रॉड्स गायब हो चुके हैं यहाँ से। इसका मतलब इन लोगों ने मेरी ब्लेज रॉड भी चोरी कर दी यार। यहाँ पे रात और मुझे सोना पड़ेगा एक बारी। ओके, सुबह हो चुकी है गाइस। देखो अभी मेरे को लिंगरिंग पोशन बनाने ही बनाने भाई, इतना ओवर पावर बन जाऊंगा ना मैं कि मैं उनको इजीली मार सकता हूँ फिर उसके बाद। एंड बनता है गाइस, अगर इस वर्ल्ड के अंदर लंबा सर्वाइव करना है ना मेरे को और बिना मरे रहना है, तो मुझे कुछ भी जो लिंगरिंग पोशन बनाने पड़ेंगे। ओके, मेरे पास यहाँ पे गोल्ड का कुछ भी नहीं है यार, चलेगा कोई चक्कर ही नहीं है। मैं जाने वाला गाइस यहाँ से पास वाले फोर्ट्रेस के अंदर। इस डायरेक्शन में हमारा फोर्ट्रेस आता है, वहां से फटाफट मैं क्या करता हूँ कि वहां से अपने लिए मैं ब्लेज रॉड्स निकालता हूँ। एंड देन ब्लेज रॉड्स निकालने के बाद हम लोग जाने वाले हैं एंड के अंदर, बिकॉज लिंगरिंग पोशन बनाने के लिए हमें चाहिए होती है ड्रैगन की ब्रेथ। सो दिस इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग गाइस। अभी गाइस मेरा गोल सिर्फ एक है, मुझे बनना है ओवर पावर्ड, दैट्स इट। और इसी डायरेक्शन में आता है हमारा वो। बच गया। अबे यार कई बार मैं ऐसी ऐसी हरकतें कर देता हूँ यार। ऑलराइट, देयर यू गो, वहां पर हमारा फोर्ट्रेस, फटाफट चलो इसके अंदर। अब देखो गाइस, लिंगरिंग पोशन बनाने का ना एक और फायदा है, वो ये है कि लिंगरिंग पोशन के साथ हम लोग पता क्या कर सकते हैं ना, हम लोग एरो ऑफ हार्मिंग भी बना सकते हैं। समझ रहे हो तुम लोग, एरो ऑफ हार्मिंग बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। पावर 5 वाली बो के साथ अगर मैंने एक शॉट मार दिया ना किसी को, लिटरली हाफ हेल्थ खा सकता है, इतना खतरनाक होता है। इन लोगों को मैं ढंग का ही सबक सिखाने वाला हूँ। इधर किधर है? ओके, यहाँ पर मैंने बंद किया था, इधर किधर है? यस, यहाँ पर मेरा वो था ना, स्पॉनर था यहाँ पे मेरा। ओके, डोंट टेल मी कि इन लोगों ने यहाँ पे स्पॉनर्स तोड़ दिए हैं। ओ माय गॉड, इन लोगों ने यहाँ पे स्पॉनर तोड़ दिए हैं। हॉर्स वापस दो, क्या लिखा है, ट्रिको एंड चंपू का बदला है, सारे स्पॉनर उड़ा दिए हैं, डील करने आओ, ब्लेज रॉड के लिए मिल लेना। इन लोगों ने सारे स्पॉनर्स तोड़ दिए गाइस यहाँ पे यार। ये क्या किया इन लोगों ने भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है। स्पॉनर तोड़ने का मतलब है मैं यहाँ पर अब, ओ नो। और गाइस मैं इस इलाके में ना बहुत ज्यादा ट्रैवल किया हुआ है, इस इलाके में फोर्ट्रेसेस भी नहीं है यार। देखो ये वाली बायो में यार, नो। और इन लोगों ने डील करने और ब्लेज रॉड के साथ, मतलब इन लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे ब्लेज रॉड्स डेफिनेटली निकाले होंगे अपने लिए, एंड ये चाहते कि मैं इनको इनके घोड़े वापस करूं एंड देन इनसे मैं ब्लेज रॉड्स ले जाऊं। बिकॉज इन लोगों को पता है कि भाई मैं बहुत सारा पोशंस वगैरह बनाता हूँ, पोशन एक्सपर्ट हूँ मैं भाई। ओ नो यार, और फाइट्स के लिए गाइस पोशन की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। एंड मुझे सीरियसली इस वक्त सिर्फ एक ही चीज बनानी है, मेरे दिल की ख्वाहिश है यार, मुझे लिंगरिंग पोशंस बनाने गाइस। मेरा जो अगला गोल है ना इस वर्ल्ड का, वो वही है।
उसी पोर्शन को बनाने का है। तो आई गेस मुझे उसके लिए यार इनको घोड़े वापस करने पड़ेंगे या तो फिर पर ऐसे नहीं भाई, इतनी जल्दी तो मैं भी हारने मानने वाला हूँ। मेरे पास अभी एक और प्लान है, देखो तुम लोग मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले तो भाई साहब यहाँ से मैं जाने वाला हूँ वापस, ओके, बिकॉज अब ये फोर्ट्रेस मेरे सच्ची में किसी काम का नहीं है। क्या कर रहा भाई ये, अब जब लेज रॉड ही नहीं निकाल सकते भाई तो सच्ची में अभी फोर्ट्रेस मेरे एक्चुअली किसी काम का नहीं है यार। इन लोगों इनके घोड़े वापस चाहिए ना, इतनी आसानी से तो मैं भी वापस नहीं दूंगा। देखो जो मैंने कहा तुम लोगों से स्टार्टिंग में वादा किया है इस वीडियो के कि इन लोगों को ट्रोल तो करना है, ठीक है, तो मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं इनको ना इनकी ये पुराने वाले आई मीन ये जो नए वाले घोड़े हैं वो ही दूं और इनको पता ना चले कि भाई इनके घोड़े यहाँ पर एक्सचेंज हो चुके हैं। मैं ये काम करना चाहता हूँ, लेट्स सी कि इन लोगों को पता चलता है कि नहीं चलता है इस बारे में पता। पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं इनको इनके घोड़े के पास लेकर जाऊंगा ना गाइस तो ये लोग डायरेक्ट कहीं यू नो वहां पर मैंने सिर्फ लावा डाला हुआ है एंड वहां पर बस ग्लासी से तोड़कर डायरेक्ट चले जाएंगे घोड़े के पास। एंड अगर इन लोगों को पता चल गया कि इनके असली घोड़े नहीं है तो भाई अभी और इसी वक्त यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाएगी फालतू में, जो कि मैं अभी फिलहाल को तो नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा करते हैं, मेरे पास एक प्लान है, मैं अभी कुछ तो यहाँ पर करने वाला बहुत ही मस्त। सबसे पहले मैं यहाँ पर गाइस बनाने वाला अपने लिए एटलीस्ट 9 पिस्टन्स और इनको मैं यहाँ पर कन्वर्ट करने वाला हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्टिकी पिस्टन्स में। रेड स्टोन की ये भी बना दिया बिकॉज मुझे यहाँ पर बनाना है गाइस अपने लिए रेड स्टोन के रिपीटर्स। अगर इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि इनके घोड़े इनको इतनी आसानी से मिल जाएंगे, ना 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 भाई साहब तुम लोगों ने बहुत, ये तो भाई ओ माय गॉड भाई, ये ब्लेज रॉड्स वाला जो सीन किया ना लोगों ने यार, ये तो मतलब दिल से बुरा लगा भाई इसके लिए मेरे को। सीरियसली बता रहा हूं मैं तुम लोगों को गाइस, दिल से बुरा लगा इस चीज के लिए मेरे को यार। देखो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, लेट्स गो फर्स्ट ऑफ ऑल, खुल जा भाई तू। एंड मैं पता क्या सोच रहा हूं, देखो अगर इन लोगों ने यहाँ पे जबरदस्ती आगे इन घोड़ों के पास आने की कोशिश करी ना तो मैं चाहता हूँ कुछ मैं ऐसा सिस्टम बनाऊं कि यहाँ से ये लोग नीचे गिर के मर जाएं। तो उसके लिए एक सेकंड रुको, तुम्हें यहाँ पे लकड़ियों की कमी है, मेरे पास एक आइडिया है, यहाँ से मैं लकड़ियां निकालने वाला सबसे पहले बिकॉज हम लोग लिटरली इस वक्त माइनशाफ्ट के अंदर है, लकड़ियों की कमी नहीं है यहाँ पे। तो इस इलाके से यहाँ से इसको ना तोड़ना स्टार्ट करते हैं, ओके, 9 ब्लॉक्स मैंने ओवरऑल तोड़ दिए हैं। अगर ये लोग प्यार से मेरी बात सुनेंगे तो इनमें से कोई भी नहीं मरने वाला है, लेकिन अगर इन लोगों ने भाई प्यार से मेरी बात नहीं सुनी तो आई एम सो सॉरी टू से, ये लोग अभी यहाँ पर मरने वाले, मैं बदला लेगा। यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ इस लीवर को यहाँ पे, एंड अगर मैं इसको करूंगा यस यस, अब देखो यहाँ से पूरा का पूरा पीछे के लिए जा रहा है, लेकिन अब गड़बड़ी हो चुकी है कि वहां पर जो हमारा ये लावा है ना, लावा सोर्स यहाँ पर अभी ये करने वाला है। कोई चक्कर नहीं, मेरे पास प्लान है, ये नीचे के ब्लॉक में एक बार तोड़ने वाला हूँ एटलीस्ट दो। अगर मैं यहाँ पे साइन बोर्ड बनाता हूँ तो बेस्ट है, यहाँ पर मेरे को बस साइन बोर्ड को लगाना नीचे एक एक करके, इसके नीचे वाले साइन बोर्ड लगाए तो उसके आगे मेरे को एक और साइन बोर्ड लगाना है, उसी के आगे मेरे को एक और साइन बोर्ड लगाना है और उसी के आगे मेरे को एक और साइन बोर्ड लगाना है, ऐसे करके। यस बट नॉट लाइक दिस, इसको मुझे वापस चाहिए। यस अब देखो गाइस आई थिंक सो कि अब यहाँ से नीचे लावा नहीं जाने वाला है, लेट्स गो एंड चेक वन टाइम। यहाँ से जाएंगे नीचे, यस चेक दिस आउट, अब यहाँ से नीचे लावा नहीं जा रहा ना, ये बेस्ट हो चुका है। 3 ब्लॉक की हाइट तो यहाँ पर हो ही चुकी है ऑलरेडी, इसको और गहरा करना नीचे के लिए। ओके तो गाइस 16 ब्लॉक की डेप्थ मैंने यहाँ पर कर दी है। एंड गाइस देखो मॉडर्न दिक्कतों के लिए हमेशा ही मॉडर्न सॉल्यूशंस काम आते हैं। मैं एक चीज लेकर आना एक्चुअली भूल चुका हूँ, मैं ऊपर जाने वाला हूँ अभी, एंड आई विल बी बैक। उम्मीद करता हूँ कि ये लोग यहाँ पर आना जाए तब तक के लिए यार। एंड आई गेस अभी तक ड्रीम बर्नर्स को बता तो जरूर दिया होगा इस जगह को, है ना, कि उसने ऑलमोस्ट मुझे मार दिया था वहां पे यार। वो बियर वाला जो ट्रैप है ना गाइस वो एक्चुअली बहुत ही बिग ब्रेन ट्रैप था यार, भाई क्या ही ट्रैप बनाया था उसने भाई, ऑलमोस्ट मुझको पेल सकती थी वो बिकॉज मेरी शील्ड भी जाने वाली थी। मैंने यहाँ पर गाइस कुछ सामान रखा हुआ है, अगर वो मुझे मिल गया तो। ओ यस, यहाँ देखो मैंने यहाँ पर गाइस रखा है अपने पास ड्रिप स्टोन, तो ये ड्रिप स्टोन है ना भाई बहुत काम की चीज है, इस पर इतना ज्यादा फॉल डैमेज मिलता है ना क्या ही बोलूं मैं। अगर मैं 4 ब्लॉक की हाइट से गाइस कूदता हूँ 1.5 हॉर्स जाते हैं एक सेकंड में, बट नॉर्मली अगर मैं 4 ब्लॉक की हाइट से कूदूंगा तो मेरे को पड़ेंगे 0 डैमेजेस। देखो यहाँ पे तुम लोग एक साइड 0 डैमेज है और एक साइड 1.5 हॉर्स का डैमेज है, इतना खतरनाक है ये। और 16 ब्लॉक की हाइट से गिरने का मतलब है डेथ इंस्टेंटली, और मैं इन लोगों को मारने वाला नहीं हूँ। अगर इनमें से किसी ने भी चलाकी करी या मेरे पर रश करने की इन्होंने कोशिश करी तो उस कंट्रैप्शन को मैं ओपन कर दूंगा। तो भाई सिंपल सी बात है, ये लोग अपने हादसे के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। ओके आई एम बैक एंड मुझे जाना था यहाँ से नीचे के लिए, लेट्स गो। एंड अरे से लेकर परे तक हर जगह पर ड्रिपस्टोन लगा दूंगा। ये देखो यहाँ पर गाइस मैं 1 ब्लॉक की हाइट भी लेता हूँ ना अगर जंप में, देखो तब भी भाई सब डैमेज पड़ रहा है, ये इतनी खतरनाक चीज है ब्रू। वाटर बकेट के साथ जाने वाला ऊपर वापस, एंड मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये पानी यहाँ से गायब हो जाए जब तक मैं यहाँ से निकलूँ, अदरवाइज अगर रेंडर नहीं हुआ
थोड़े ट्रैक पानी के बीच गिरेंगे एंड देन मरेंगे नहीं। और ये सारा का सारा पानी हमारा जा चुका गाइस, हमारा एक बहुत ही डेडली ट्रैप तैयार हो चुका है एंड इसको एक्टिवेट कर देते हैं। डैट से अभी यहाँ से आगे के लिए आ गया, बस इसको छुपाना है मैंने ऐसे करके ताकि बस ये दिखे ना। और गाइस एज प्रॉमिस ये जो कंट्रैप्शन है ये तभी यहाँ पर एक्टिवेट होगा अगर इन लोगों ने कोई चलाकी करने की कोशिश करी, अदरवाइज मैं नहीं करने वाला हूँ। और गाइस अब मैं डायरेक्ट जाने वाला हूँ इन लोगों से डील करने के लिए एंड होपफुली मैं इन लोगों से ब्लेज रॉड्स भी ले लूँ और इनको मैं इनके फेक घोड़े भी दे दूँ। कितना एपिक होगा ना ये वाला सीन यार, इनके घोड़े वापस ही नहीं करने भाई, इनको तंग करना है मैंने, बट मैं सोच रहा हूँ। ऑलराइट गाइस लिसन टू मी, अपने कन्वर्सेशन बंद करो, मैं आ रहा हूँ तुम लोगों के पास। ठीक है अभी हम लोगों का काम सिर्फ एक है जो कि यहाँ पर डील को कम्प्लीट करना। ठीक है तुम लोगों ने लिखा था डील करने, आ जाओ मैं आ रहा हूँ। आ जाओ बेटा आ जाओ, हम भी तैयार हैं। पहुंच गया। बट गाइस एक बात याद रखना, अभी फाइट नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। ये बंदा इनविजिबल है, कहाँ पे? मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अभी यहाँ पर फाइट नहीं होनी चाहिए गाइस, बिल्कुल भी। अगर तुमने मेरे ऊपर हमला किया गलती से भी, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ गलती से भी हमला किया किसी ने मेरे ऊपर, तो भाई यहाँ पर वॉर का ऐलान हो जाएगा इस वीडियो में। हवा निकल गई थी ना, हवा निकल गई थी ट्रैप में, क्या वो बियर ने क्या कर दिया था स्मार्टी भाई? इसका कुछ अलग ही चल रहा है भाई, इसका कुछ अलग ही। ड्रीम बॉय मेरे भाई, चुप एकदम। ठीक है अभी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने आए गाइस, पीस रखते थोड़ा है सर्वर पे, है ना? हम लोग फालतू में लड़ाइयां करते हैं यार। तुम लोग तुम्हारे घोड़े में वापस कर दूंगा एंड उसके बदले मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्लेज रॉड चाहिए, दैट्स इट। उसके अलावा मेरा और कोई काम नहीं है। मिल जाएंगे आपको गिफ्ट भी मिल जाएगा, वो भी डासू वाला। सिर्फ आप घोड़े दे दो भाई, घोड़े बहुत प्यारे थे हमारे लिए। स्माइटी हम लोगों को फाइट में कुछ इंटरेस्ट नहीं है भाई, हमारा एक बंदा आपको पेल दिया था अभी, मैंने सुना, मुझे खबर आई है कि क्या गुंडा बनेगा स्माइटी भाई तू? क्या गुंडा बनेगा, अकेला तो पेल दिया था मैंने। ये बंदा मेरे को उकसा रहा है यार, ये मेरे को साथ वन वी वन करना है। डायमंड के आर्मर के साथ रगड़ दूंगा, करना है नहीं करना है, कुछ नहीं है, करना है दो भाई। ओ ओ करना है, अच्छा है ये लो यार, इन लोग का कुछ अलग सोचा चल रहा है। आजा 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 पागल हो गया ये ड्रीम बॉय भी भाई, हद है, उठाया कैसी तलवार कैसे उठाई मेरे पे? अरे यार ड्रीम बॉय कहाँ जा रहे हो? अरे तलवार कैसे उठा दी? तो एक बार घोड़े ले ले फिर आप मार रहे कहते ना भाई। घोड़े भाई घोड़े गए, अभी तुम साइड हटो भाई, अभी बताते हैं कैसे तलवार कैसे उठाई स्मार्टी भाई ने। अरे यार अभी डील कभी हमारा भरा भाई, हद है भाई स्मार्टी भाई। यार ये सर्वर के ऊपर शांति नहीं हो रही है, सब रिवेंज के ही पीछे लगे हैं यार भाई, बस की नहीं है स्मार्टी भाई के लड़ना करने लगे। अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, हर बार मैनेट हो जाता है। अबे इसके पास खुंदक पे आ गई भाई बात, अब तो बनाना जी खुंदक पे आ गई बात नहीं है। ये देखो ये देखो हमारा बंदर पर, रुको रुको एरो फिर मैं दिखाता हूं, मैं दिखाता हूं एरो। वेट स्मार्टी रुक जाओ यार, अभी पंगा नहीं करना है हम लोगों को, आ जाओ। घोड़े लेने भी है और इसको देना भी नहीं है, कुछ नहीं देंगे भाई हम लोग अभी। हद है स्मार्टी भाई, ये क्या मतलब, मैं गिफ्ट बना रहा था इसको रात दिन जग के और ये बंदा ये बंदा भाई ये लफड़ा कर दिया यार आपने पूरी तरह से भाई, लफड़ा कर रहे हैं स्मार्टी भाई, खुद उठाई तलवार। ये ब्रेकिंग न्यूज हो गया भाई, सतर्क रहे सावधान रहे स्माइटी भाई से पूरी तरह से, ये कभी गुफा में। ये देखो ये देखो ये देखो, बस बस बिल्ड कर दिया, बिल्ड कर दिया, क्या हो गया इससे? कितना मेरे पास ब्लॉक्स भी नहीं है अभी कुछ भी। वो जा रहे हैं स्मार्टी भाई, देखो आओ मेरे पीछे आओ, अभी बताते हैं स्मार्टी भाई को। हद है भाई स्मार्टी भाई, स्मार्टी हम लोगों ने बहुत मेहनत करके यहाँ पे गिफ्ट बनाया था और अभी आपने ऐसे कर दिया यार। अभी लड़ो ना, अभी कहाँ जा रहे हो, लड़के तो जाओ। वर्ल्ड में आप बहुत वॉयलेंट हो यार, रियल लाइफ में कितने प्यार करते हो मेरे साथ। अरे यार पानी कौन डाल रहा है बे? भाई कौन है, पानी कौन डाल रहा है मेरे ऊपर? ये अभी कुछ ना कुछ क्या ही चल रहा है भाई, मैं पानी में अटक गया हूँ भाई। ऊपर चलो भाई, किसका पानी है मुझे कुछ नहीं, ये कुछ ना कुछ करने वाला अभी। अभी ये क्या स्नो भी लेके आया है बंदा? अरे बंदा कुल्फी बना रहा है, उसने आइस आइस है वो, आइस पकड़ के दिखाओ कुल्फी। ये फाइट तुम लोगों को बहुत भारी पड़ी। ओ माय गॉड भाई क्या मारा नीचे से राणा जी, इनविजिबल ब्लॉक। अरे इनविजिबल छोड़ो भाई, पकड़ के दिखाओ, पकड़ के दिखाओ। दिस इज माई न्यू लैडर क्लच, दिस इज माई न्यू वे ऑफ गोइंग अप।
इसको यहाँ से आर्मी पोशन डाल दो भाई। अरे आप तो बड़ी बड़ी कुल्फिया खा रहे हो ड्रीम बॉय, मुझे तो अरे यार भाई ब्लॉक्स ही खत्म हो गए यार। Yes. फिर क्या आ जाओ, आ जाओ आप बताओ क्या करोगे गाइस। अरे यूनिवर्स में भाई दो पंख लगा दो, लो पंख लगा दो, उड़ जाओ। आप कुल्फी लेके आओ ड्रीम बॉय, जाओ स्माइटी से कुल्फी। चेक दिस आउट, मैं हवा में तैर रहा हूँ। क्या ये ग्लिचेस बीचेस, ये टिकटॉक बड़ा दिखता है यार, ये बंदा टिकटॉकर बन जा। तुम लोग मुझे एक सच्ची बात बताओ कि तुम लोग चल रहे हैं पता मैं हवा में कैसे लटक रहा हूँ यार। मुझे पता है आप टिकटॉक की वजह से उड़ रहे हो भाई, ये टिकटॉक है क्या, कुछ ना कुछ किया होगा। ओ भाई साहब मैं अभी गिर जाता यार, गोटे गले तक आ गए थे मेरी गोटे चपक गए भाई मेरे। मुझे सिखाओ ये मैजिक सिखाओ मुझे प्लीज। क्या किया आपने? अरे यार बस गाइस 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 हम लोग बहुत लड़ाइयां करते, मेरी बात सुनो। मैं एक चीज तुम लोगों के सामने रख रहा हूँ अभी, ठीक, ऑफर रख रहा हूँ। घोड़े ले जाओ, ब्लेज डॉट्स दे दो, बात खत्म। यस और नो? फलाना जी क्या करे, यस यस चलो फलाना जी भी तैयार है, यस ओके। मेरे पास हमला नहीं होना चाहिए, मैं नीचे आ रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल हमला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं करेंगे ड्रीम बॉय, बिल्कुल हमला नहीं करेंगे। मुझे भी अभी पक गया है ये मारामारी कर करके यार। लेट्स गो देन गाइस, आ जाओ मेरे पीछे अभी। प्लीज कोई भी फाइट मत करना क्योंकि ट्रिको की जान दांव पे है भाई। अगर तुम्हें किसी ने भी गाइस देखो सिंपल सी बात है, किसी ने भी हमला किया थोड़ी भी चला के दिखाई, देखो एक ही शर्त पे मैं तुम लोगों के घोड़े वापस करूंगा, जो मैं बोलूंगा वही करना पड़ेगा, जहां मैं बोलूंगा वही खड़ा रहना पड़ेगा, बिल्कुल चला के, ठीक है? प्रोटेक्ट करूंगा आपको इस बार तो पूरी तरह से, आज कुछ नहीं होगा। तुम लोगों के घोड़े तुम लोगों को मिल जाएंगे, चुपचाप से मेरे पीछे आओ और बिल्कुल भी चला के नहीं, वरना ध्यान रहना तुम लोगों को एक एक करके मारूंगा, ठीक है? चुपचाप से मेरे पीछे आओ, आ जाओ नीचे, यहाँ से नीचे आ जाओ। हमको जेल में लेके जा रहे हैं ऐसे लग रहा है मुझे अभी। एनिमल्स के लिए जेल अलग बनाते हो क्या आप? सारे आगे पीछे पीछे, आगे नहीं, हेलो पीछे 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 ड्रीम बॉय पीछे पीछे सारे पीछे और मेरे साथ साथ रहो, लेकिन पीछे रहो। कितना ये बना का, कब टाइम मिल रहा है आपको ये सब बनाने का? वहाँ पीछे रहो, वहाँ पीछे रहो। चलो कोई भी बंदा बिल्कुल चलाकी नहीं करेगा, सामने खड़े रहेंगे सारे, ठीक है? नहीं ट्रिको के लिए सब कुछ करेंगे हम लोग भाई, आप सिर्फ बोलो। ओ ये क्या है, ट्रिको नहीं, लड़ी लड़ी लड़ी, पीछे 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 पीछे। अरे भाई ये क्या कर रहा है, एकदम पीछे गाइस, कोई हिलेगा नहीं, कोई हिलेगा नहीं। फलाना जी ज्यादा एक्साइटेड मत दिखाओ, ठीक है? बंद करो, बंद करो इसको, बंद करो मेरे पीछे, बंद करो अभी, तो मार दूंगा घोड़े घोड़े। कौन करे? Yes, exactly. अब मेरी बात सुनो गाइस, मुझे सबसे पहले तुम लोगों से पता चाहिए उन ब्लेजेस का, और अपने घोड़े ले जाओ, दैट्स इट, बात ही खत्म है। पहले दे दो भाई, मुझे पहले चाहिए घोड़े। मुझे देखो, मुझे धक धक हो रहा है ऑलरेडी, आपने कुछ भी गड़बड़ करके उनको जला दिया ना, मैं मर्डर कर दूंगा। मैं क्यों करूंगा ऐसे भाई, चुपचाप से मुझे तुम लोग ले, अरे ब्लेज रॉड का पता बताओ और ले जाओ घोड़े। क्या कह रहा है अभी? मैंने बोला था, मैंने बोला था, दिस इज नॉट माय मिस्टेक, दिस इज नॉट माय मिस्टेक। अभी तो गया भाई स्माइटी, अभी मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला बिल्कुल। एसडीओ भाई मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो, ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे एक ही ट्रैप है, इस पूरे इलाके पे ट्रैप ही ट्रैप है, तुम दोनों मरोगे गारंटीड, और ये भी मरेंगे। फलाना जी को क्यों मारा पर यार? यार फलाना जी ने प्रोटोकॉल को ब्रेक किया, वो आगे भाग के आ रहा था मुझे मारने के लिए। घोड़े मर जाएंगे बता रहा हूँ, पीछे जाओ, चुपचाप से पीछे जाओ, पीछे जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, जाओ चुपचाप से पीछे आ जाओ, निकलो निकलो निकलो, घोड़े पे आ रहे हैं, हमला नहीं करना, बहुत ट्रैप से ये मर जाएंगे, एक बटन दबाऊंगा दोनों मर जाएंगे, जाओ घोड़े ले जाओ, ले जाओ घोड़े, और मुझे चुपचाप से वो चाहिए मेरा, ठीक है ना, समझ जाओ। मैं मर गया अभी यहाँ पे, जाओ 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 ड्रीम बॉय, अंदर जाओ अंदर जाओ, याद रखूंगा स्मार्टी भाई ये हरकत, ये फिर से बटन ना दबा दे, मैं जा रहा हूँ। नहीं दबेगा, नहीं दबेगा, तुम्हारे घोड़े बटन बटन होगा भाई, बटन, अरे बटन नहीं है भाई, बटन नहीं है भाई, तुम लोग जाओ। फाइनली ट्रिको यार, हर्ष में बैठ सकता हूँ इसके ऊपर। ओ भाई 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 मुझे उसका बताओ जल्दी फटाफट, ठीक है अभी आपने दे दिया है, खुश हो गया मैं तो, चलो जाओ अब मेरे पुराने वाले घर जहाँ पे अपने TNT फोड़ा था, जी लो अपनी जिंदगी, वहाँ पे चेस्ट में है, जाओ जाओ। यार वो तो मैं चोरी भी कर सकता था, इसलिए इससे बढ़िया था यार, फाइनली घोड़े यार, जिंदगी सफल हो गई मेरी। अभी क्या क्या कैसे लेके जाए यार, मेरा घोड़ा बहुत मोटा है। यस फाइनली गाइस, भाई इन बंदों को मैंने अभी बेवकूफ बना दिया, इनको पता ही नहीं चला कि इनके वो घोड़े एक्चुअली नकली है, और अब देखो इन लोगों ने मुझे ब्लेज रॉड का पता भी बता दिया, और साथ ही साथ इनको ये भी पता नहीं चला कि इन लोगों के जो घोड़े है वो नकली है, मतलब कि मैंने इनको ट्रोल कर दिया और साथ ही साथ मैंने अपना काम भी निकलवा दिया।
बिग ब्रेन यस। अब ऐसा करूंगा ना, अब लिंगरिंग पोशन बनाऊंगा और राज करूंगा इस वर्ल्ड के ऊपर। देखो तुम लोग भाई, कोई बंदा अपने को टच ही नहीं कर सकता। लिंगरिंग पोशन भाई साहब, तीन बंदों को गाइस मैं पलक झपकाते ठोक सकता हूँ। मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लिंगरिंग पोशन बनाना, सीरियसली मैन। लेट्स गो। इनका पुराने वाला घर ये रहा। आजा बेटे, आज मैं इतना खुश हूँ ज़ॉम्बी कि क्या ही बताऊँ तेरे को यार। अच्छा है, इनका दरवाजे नहीं इनके पास यार। बड़े गरीब लोग यार, इतनी ग्राइंडिंग करते हैं बट इनके पास कुछ है नहीं है। इधर तो कुछ खास है नहीं है, इधर भी नहीं है। ओके, मैं ये गाइस प्लीज बताना मत इनको तुम लोगों ने, बट मैं ये चोरी कर रहा हूँ यार। शक्तिमान, शक्तिमान वाला मैं चोरी कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे तो बुक्स रखी हुई है थोड़ी बहुत। कहाँ पे रखे हुए इन्होंने? यहाँ भी नहीं है। एक आखिरी चेस्ट, अबे नहीं है यहाँ पे, फायर एस के पोशन है यहाँ पे। व्हाट, पुराना वाला घर तो इनका यही नहीं है? इन लोगों ने मेरा स्कैम कर दिया पक्का। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ओ हेलो हेलो, कहाँ पे है एसडीओ? आपने फलाने जी को मारा था ना? हाँ, तो उसी की वजह से अभी फलाने जी ने और मैंने डिसाइड किया कि आपको गिफ्ट नहीं मिलेगा, सॉरी। अरे यार ये भाई स्कैमर बंदे हो तुम लोग तो यार। भाई आपने स्कैम किया सबसे बड़ा, आपने क्यों आपने फलाने जी को मारा? फलाने जी ने कितने कितना प्यार आया था, इतने महीनों का प्यार। मेरे भाई एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, जब प्रोटोकॉल ब्रेक कर रहा है बंदा भाग के मुझे मारने आ रहा है, मैं उसको मारूंगा नहीं क्या? पर आपने उसको मतलब एटलीस्ट वार्निंग देते, वो बंदा सुनता है, आपका असिस्टेंट है वो, पर आपने उसको मैंने बोला उसको मत आइयो सामने यार, तुम लोगों ने स्कैम कर दिया मेरे साथ गाइस। आप ही पूछ लो मिस फलाना जी क्या करना है, देना है इसको ब्लेजेस, क्या देना है गिफ्ट? नहीं देखा, लो भाई, मैंने बोलने की जरूरत ही नहीं है, फलाना जी खुद ही बोल रहे भाई। और मैंने बोला था चेस के अंदर है तो एंडर चेस के अंदर ले ले लो भाई, ब्लेज सारे ब्लेजेस है उसके अंदर एंडर चेस के, ले लो मजे करो। वही तो भाई, एकदम सही सही भाई, फेयर डील है एकदम बढ़िया। यहाँ पे फाइटिंग नहीं किया गाइस, लिसन, अब होने वाला माइनक्राफ्ट रिवेंज, याद रखना। तुम लोगों ने मेरे साथ यहाँ पे अभी स्कैम किया है ना, अभी अभी जो तुम लोगों ने यहाँ पे स्कैम किया है ना, इसका बदला मैं लेने आ रहा हूँ। अब भी और सी वक्त आने वाला हूँ मैं। तुम लोग अभी बिल्कुल आइडिया नहीं मुझे कितनी जरूरत थी उन ब्लेज रॉड्स की। अब तुम लोग गए, अपनी उल्टी गिनती स्टार्ट कर लो गाइस तुम लोग। सो गाइस इट्स टाइम फॉर द माइनक्राफ्ट रिवेंज। अब गाइस मेरे दिमाग में चल रहा है कि अगर इन लोगों ने मेरे ब्लेज रॉड से मेरे यहाँ पर नाता तोड़ दिया इस वर्ल्ड से ना, तो मैं इसको उसी चीज से रिलेटेड मारूं। तो मैं सोच रहा हूँ ना, मैं इनको अभी फायर के साथ मारने वाला हूँ और ऐसा जलाऊंगा ना इनको, मैं ऐसा जलाऊंगा कि ये लोग भी याद रखेंगे कि किस बंदे के साथ पंगा लिया। और मैं अभी यहाँ पे ना गाइस, जो ड्रीम बॉय ने मुझे स्टार्टिंग में फंसा दिया था ना उस ट्रैप में, उसी चीज का इस्तेमाल करने वाला, उसी आइडिया का। तो अभी बस मेरे को यहाँ से अपने लिए एक शवल बनानी है और एक गड्ढा करना है, और मेरे हिसाब से यहाँ पर कर दूंगा ना, कि मैं तो इनको शक भी नहीं होगा इस पर्टिकुलर इलाके पे, बिकॉज यहाँ से मैं पानी से डायरेक्ट बाहर निकल सकता हूँ और ये लोग यहाँ पर फंस भी सकते हैं। लेट्स गो। एंड यू नो व्हाट गाइस, ज्यादा गहरा गड्ढा बनाने की जरूरत भी नहीं है, नॉर्मल रखना है बस। और एक ऐसा मैकेनिज्म बनाऊंगा ना जो इनके ऊपर आग छोड़ेगा। स्मार्टी पाई के साथ धोखा इनको भारी पड़ेगा गाइस, सीरियसली। अभी देखो गाइस, इतना गहरा गड्ढा यहाँ पर काफी क्या हो गया? ओह यहाँ पे तो भाई बर्फ ही स्टार्ट हो गया यार, मैं वही देख रहा हूँ एकदम से, हुआ क्या ये? बर्फ स्टार्ट हो गया यहाँ पर, बारिश स्टार्ट हो चुकी है। वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड गाइस, ओह माय गॉड, वेट वेट वेट, जो यहाँ पर बारिश हो रही है ना, इसके साथ तो मैं और भी कुछ बहुत ही तगड़ा काम कर सकता हूँ भाई। फायर से तो एकदम एकदम नॉर्मल रिवेंज हो जाएगा। ओह माय गॉड, जस्ट वेट अ सेकंड गाइस, अभी देखो तुम लोग मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। मेरे बिग ब्रेन में बहुत ही तगड़े वाली स्ट्रेटेजी आई है, मैं यहाँ पर ना भाई कुछ बहुत ही दर्दनाक कर सकता हूँ, मतलब इतना दर्दनाक, इतना दर्दनाक कि भाई तुम लोग भी खजल हो जाओगे। उखी, अगर मैं वो चीज यहाँ पर कर पाया, देखो अगर मैं यहाँ पर ये लगाऊंगा ऐसे करके, और इसको मैं अगर यहाँ पे हर डायरेक्शन में ऐसे करके बंद कर दूंगा ना, यस हो गया मेरा काम। मेरे को यहाँ पे ये भी पड़ा हुआ शक्तिमान वाला ट्राइडेंट ना। ओके, मुझे जल्द से जल्द एक चीज यहाँ पर करनी पड़ेगी अभी, अगर मेरी वाली स्ट्रेटेजी मैं एक्चुअली बना पाया। ये मुझे ऑन द स्पॉट गाइस रैंडमली अभी दिमाग में आया बारिश को देखकर, यहाँ पर मुझे फटाफट अपने हिमलैंड्स वर्ल्ड के अंदर वापस जाना पड़ेगा अभी। और यहाँ पे रात भी हो रही है भाई, एकदम परफेक्ट है ये, यहाँ पर एकदम चुपचाप किसी जाना पड़ेगा, बिकॉज ये लोग आसपास हो सकते हैं। इस घर के अंदर है क्या ये गाइस, तुम लोगों को दिख रहे हैं अपने इस घर के अंदर? तो यहाँ इस घर के अंदर कोई नहीं है, कोई नहीं इस घर के अंदर। नाइस, मैंने यहाँ पर एक चीज देखी थी। ओह माय गॉड, रुक जाओ एक सेकंड भाई, मैंने एक चीज यहाँ पर देखी थी इससे पहले, चैनलिंग, परफेक्ट। लेट्स गो। नाइन नाइन क्रीपर कुछ, अबे यार ये यहाँ पे जाएगा, ये दो यहाँ पे जाएंगे एंड ये दो यहाँ पे जाएंगे। आई गेस हो गई, यस ग्राइंडस्टोन बन चुका है। और इसको नीचे लगाकर मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसको डिसएन्चेंट करना पड़ेगा, मुझे ये नहीं चाहिए, और इससे मुझे चाहिए चैनलिंग। आई मीन ऐसे नहीं लगती चैनलिंग वाली, आई नो। इसको नीचे लगाकर इस पे चैनलिंग लगाएंगे, दैट्स इट। ओके नाउ अब मैं अपना काम कर सकता हूँ, चलो बेटा यहाँ से मेरे साथ चल। वहां देखो क्रीपर है वहां पे, यस
अबे नीचे गिर गया। हाँ तू भी नीचे रहा, कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। मुझे क्रीपर को लूर करना गाइस अपने पीछे। वेयर इज दैट क्रीपर? क्रीपर भैया, क्रीपर भैया कहाँ गए हो? मेरे पीछे पीछे आ जाओ, खुले में आ जाओ, और ध्यान देना है। चार्ज क्रीपर बन गया, फटियो मत। ओके, एक और क्रीपर नीचे गिर चुका गाइस। नाइस नाइस नाइस, इसको बस अपने पीछे पीछे लेकर आना। आजा 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 प्लीज, आजा प्लीज, आजा भाई भाई आजा प्लीज। ओके ये तो गाइस 200 IQ गेम प्ले हो गया, लाइक लिटरली ये आएगा और ये सामने से नीचे गिर जाएगा। यस, अब देखो यहाँ पे ये टूटेंगे, इनको तोड़ना सबको मैंने, एंड यहाँ पर मैंने ये लगाना नीचे। और इनफैक्ट मेरे को ना और लेकर आने पड़ेंगे ये यार। और तुम लोग गेस करो मुझे और पाउडर स्नो कहाँ मिलने वाले गाइस? जहाँ पर ड्रीम वन ने मुझे स्टार्टिंग में फंसाया था उसके ऐसे की तैसी, उन्हीं के ट्रैप पे उनको उल्टा फंसाऊंगा और ऐसे चीथड़े उड़वाऊंगा ना इनके मेरे साथ स्कैम करने के लिए। और यहाँ से गाइस एक चीज साबित हो जाएगी कि स्मार्टी बाय का कोई बंदा स्कैम नहीं कर सकता है। और मुझे ज्यादा नहीं, बस 7 बकेट्स की जरूरत पड़ने वाली है और दैट्स इट। यहाँ से उठा इसको, 3 4 5 6 7, यस लेट्स गो लेट्स गो। और गाइस और बस एक एक करके इनको नीचे निकालते रहना है, यू यू यू, और ये लास्ट के 3 हमारे ऐसे ऐसे और ऐसे करके जाएंगे। हो गया, यस। और देखो मुझे खुद पता क्या करना है, यूं करके जाना, और देखो मैं खुद नीचे धसूंगा नहीं है ना, बिकॉज मैंने यहाँ पे लेदर के जूते पहने हैं, लेदर के जूते के साथ हम लोग यहाँ पे धसते नहीं है। दिस इज परफेक्ट। ये इनफैक्ट 200 IQ नहीं है गाइस, ये हमारा है 2000 IQ गेम प्ले। सडनली मेरे दिमाग में वाली स्ट्रेटेजी आ गई यार, कसम से। एसईओ बोला था ना मैंने भाई, अब तुम लोग गए, बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों ने यार, बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर लिया। बताता मैं तुम लोगों को, अभी ऐसा चीथड़े उड़ा के मारूंगा ना बेटा, ऐसा चीथड़े उड़ा के मारूंगा ना, याद रखो। कर रहे हो गलत बात, कर रहे हो फिर से यार। ओ आजा जल्दी गद्दी, आजा ये ले स्मार्टी भाई, भाई मर्डर होगा भाई, अभी अभी निपटा देंगे भाई। फलाना जी को हाथ लगाया, लेके रहेंगे भाई। फलाना जी को हाथ लगाया भाई, ये लो, फलाना जी तो नंगा है, इसको तो मैं पेल दूंगा। भाई मेरे को पेल के दिखाओ ना, फलाना जी के साथ ड्रीम बॉय है। ड्रीम बॉय नजरे मत हटाना भाई, वो यहाँ पे रिंगा रिंगा रोजेस करेगा लास्ट टाइम की तरह। भाई कोई नहीं, कोई नजरे नहीं हट रही, आप टेंशन ना लो। बंदा मुझे घूम के जाना पड़ रहा है भाई, ये पानी स्लो करने के लिए। क्या करते हो, क्या करते हो स्मार्टी भाई, इधर आओ, पीछे तो देखो पार्कोर। थैंक यू स्मार्टी भाई, ओ भाई पीछे मैंने जो पार्कोर किया है, ये लो हमारे फलाना जी को हाथ लगाओगे? हमारे फलाना जी को यार, फलाना जी मुझे मार रहे भैया, क्या ये प्यार। अरे यार भाई ये क्या, मैं अभी बता रहा हूँ तुम लोगों को, मैं तुम लोगों को ऐसा फाड़ के मारने वाला हूँ ना, आज ऐसा फाड़ के मारने वाला हूँ ना, तुम लोग भाई याद रखोगे स्मार्टी भाई को, याद रखना। ए भाई साहब, व्हाट इसको इतना नॉकबैक है इसके बो को, उड़ा भाई उड़ा। ये देखो ना तुम, तुम्हारा भाई दे रहा है तीर, जल्दी मैं उसको रोके हूँ। आप फलाना जी मारो मारो भाई भाई भाई, अरे अरे निपटाओ निपटाओ, खत्म है स्मार्टी भाई, मेरे को पता चल रहा है, तुम लोग आओ। ये हरकत नहीं, हंगर पे ध्यान दो, हंगर पे ध्यान दो। एक गोल्डन एप्पल खाया अभी, आई थिंक गोल्डन एप्पल छोड़ना है यार, ये नहीं मैं तीर से मारूंगा। ये सही चीज है यार, ये लो पानी मैन, क्या ही करूं, ये एरो कौन मार रहा है, मारो वाला मैं। अरे कम ऑन फलाना जी, उसके पीछे रहो यार, मैं खो दूंगा इस बंदे को। जाओ जाओ जल्दी फलाना जी, बदला लेना है भैया। फलाना जी यू कैन डू इट, यू कैन डू इट फलाना जी, मुझे दिख गया। अरे अरे भाई, ओह माय गॉड, वो अभी मैं मरते मरते बचाओ भाई, क्रेजी भाई, पानी लेके घूम रहा है भाई, पता नहीं भाई ये कितना पानी डालेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है, उसके पीछे ही रहो, जाने मत दे। अरे घेर के मारो भाई, घेर के, ये देखो ये कौन सी, ये देखो चाहिए आपको फलाना जी के साथ, कुछ नहीं है भाई, मेरा दोस्त बन गया है वो, अभी हमारे दोस्त को मारेगा ऐसे। मेरी तीर खत्म हो गई, हमने ब्लेज दे दी होते आपको, पर भाई मैं भाई नहीं 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 भाई, ऑलमोस्ट भाई, ये डूब रहे भाई, ये हरकत नहीं, हम बचाएगा आपको फलाना जी, क्या ही चल रहा है भाई यहां पे मार्टी भाई, भाई क्या पानी में जलपरी, ये ड्रीम बॉय जलपरी बन गया यहां पे ऑलमोस्ट भाई यार, ये पानी की वजह से सब गया है मेरा।
कम ऑन इसके अंदर गया था। कहाँ है? अरे भाई क्या ही हो रहा है यहाँ पे, मुझे समझ में आ रहा फलाना। कम ऑन डू इट। अरे यार ये भी सब एक दूसरे के ये क्या कर रहे हो भाई? मारो ना। यस अरे भाई फलाना जी, ओ माय गॉड फलाना जी आपका सामान एक में गया तेल लेने। फलाना जी भाई नहीं, सामान छोड़ो पहले निपटाएंगे। मुझे पता नहीं कैसा फील हो रहा है कि मेरे माइक में ना आवाज फट चुकी है और सब कुछ खराब हो जाएगी रिकॉर्डिंग। मुझे आवाज इतना एपिक मारा इसको मैंने यार, मजा आ गया भाई। भाई हम क्या यहाँ पे यूट्यूब की बातें कर रहे हैं? मर्डर करो यार, बंदा हम लोगों को स्टील के आर्मर के साथ मार रहा है भाई। स्टील होता है ये स्टील होता है। क्या कर रहा है ये? F5 मार रहा हूं दोनों के साथ। ओके भाई खत्म कर दिया। नहीं यार आपने पानी डाला ना क्या? मैंने मैं क्यों डालूंगा पानी? मैं क्यों डालूंगा? नहीं तो ये पानी वाली ट्रिक इज एपिक यार गाइस। फलाना जी इनको गिफ्ट देना है क्या अभी? अब स्मार्टी का गिफ्ट उसे नहीं देंगे, आप उससे गिफ्ट में मौत देंगे भाई। लो अब तो फलाना जी ने कह दिया कंफर्मली, अब तो भाई हम लोग अलाउड ही नहीं है भाई, नहीं तो सर्वर से उड़ा देंगे हम लोगों को फलाना जी भाई। अरे भाई अरे हेलमेट गया भाई तुम्हारा यार, मेरा मुझे चक्कर आ रहा है भाई। एपिक मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं जा रहा हूं। नहीं मेरी हेल्प करो, मेरी बेल्ट। मैं जा रहा हूं। अब मैं मर जाऊंगा भाई। ओ माय गॉड मैं गारंटी मर जाऊंगा। मेरी हेल्प मैं सिर्फ हेलमेट लेके आ रहा हूं। आ जा ड्रीम बॉय, किधर है? अकेला बच्चा है क्या? खुद का आर्मर टूट गया यार, मेरे को चेंज करने पड़ गए जूते यार। क्या सीन चल रहा है यार? किधर भाई? हेलो ड्रीम बॉय, आर्मर भाई। भाई वेट बताता हूँ स्मार्टी भाई। उफ यार कहाँ घुसेड़ दिया, सारे मिलके मार रहे हैं भाई। पूरा खानदान लगा है यहाँ पे। वाह भाई कितने ज़ॉम्बीज आ गए यहाँ पे। हद हो गया, आप लोग हार्ड पे खेल रहे हैं ना। क्या स्मार्टी भाई, क्या गुंडा भाई, गुंडा। अरे यार क्या बूटी बीटी पे टाइम पास चल रहा है। ये हम लोग सो ही नहीं थे शायद। ओए वो ये क्या है? फैंटम्स आ गए डूड। अरे इतने सारे ये क्या है ओ भाई? ये आपके साथ में मेरे सामने मर गया, मेरे आंखों के सामने पड़ गया वो ड्रीम बॉय। मेरे पे कोई लफ्ज नहीं है। मैंने बोला था ना, मैंने बोला था तुम लोगों को ड्रीम बॉय सच सच बोलना। क्या दिखा आपको गड्ढे के अंदर? सच सच बोलना भाई। वो लाइटनिंग क्रीपर था यार उधर। मुझे भी दिखा था वो, मैं भाई भी था वही। मेरा पूरा डायमंड का आर्मर था, एक सेकंड में खत्म हुआ के नहीं हुआ है डायमंड का आर्मर? पूरा डायमंड का आर्मर गया भाई। वैसे आपकी स्वॉर्ड मेरे पास आ गई है, स्वॉर्ड दे सकता हूँ मैं आपको। बाकी तो आपका सब भस्म हो गया भाई। आपकी स्वॉर्ड है सिर्फ मेरे पास, बाकी सब गया। इतनी मेहनत से बनाया था यार, हद है। अरे मैं तीन हार्ट पे बचाऊ भाई, तीन हार्ट पे हूँ मैं अभी। बिल्कुल मेरे जैसा ट्रैप बनाया था स्मार्टी भाई ने लगता मेरे से। और आपकी वजह से लोचा हुआ, स्टार्टिंग भी आपकी वजह से हुई है ये। मेरी वजह से इंस्पायर्ड है यहाँ पे आपको लोगों के साथ। स्मार्टी भाई मेरे से इंस्पायर्ड है, आज पता लग गया मेरे को। ये इस वर्ल्ड के अंदर सब बिक गए भाई। एसजीओ भाई अब तुसी किधर हो बताओ मेरे को? हैं असी असी पानी पूरी खा रहे, असी पानी पूरी खा रहे। आजा आजा आजा, मैं वेट कर रहा हूँ भाई साहब। मैं वेट कर रहा हूँ भैया। आलू डालना है भैया? आलू कहाँ हूँ मैं पता है? मैं अपने हिमलैंड्स के वर्ल्ड के पास हूँ। आजा हिम्मत आता है, इकलौता बंदा बचा अभी मारने के लिए गाइस। आजा मैं बता लेगा भैया तीखा दे दो, थोड़ा तीखा दे दो मुझे। मैं भी आ सकता हूं क्या? मारना है स्मार्टी के। अब लिया जाएगा असली बदला, दिस इज द रिवेंज मोमेंट। मैं आपके ही घर के आजू बाजू काजू खा रहा हूँ यार। चलो अभी एंड कर लेते हैं भाई, आपका चांदी का आर्मर मेरे हवाले करो, सब मेरा ही होगा। आ जाओ मरने के लिए रेडी हो? आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। कितना प्यार करते हो यार मेरे साथ। एक तो आप बॉर्डर पे पैदा हुए थे, वॉर 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 सब जगह पे। क्या ही थैंक यू बहुत ज्यादा। ओ भाई रुको, ओए रुको मैं बताता हूँ। मैं वन हार्ट पे हूँ, मुझे टच मत करना प्लीज। क्या बताओगे? बता रहा हूँ ब्लेज कहाँ पे, ब्लेज कहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ब्लेज कहाँ पे है मुझे अभी जानना है, ठीक है? वन हार्ट पे एक शॉट मारूंगा मर जाओगे। देखो मैं धोखेबाजी कर रहा हूँ फलाना जी के साथ। मुझे सबसे पहले मेरी तलवार वापस चाहिए, अब प्योर सी। सबसे पहले तलवार वापस आ जाए, मैं छोड़ दूंगा इसको। ये चलेगी पीछे 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 बस, क्योंकि इसकी भी ड्रीम की भी थी मेरे पास, ड्रीम बॉय की भी थी। Now just tell me कि कहाँ पर है। अपने वड़ा पाव सॉरी पाव वाले फार्म के नीचे। कौन सा पाव वाला? अच्छा वीट वाला फार्म जो तुम लोगों का, मतलब पाव बोलो, पाव इज शक्ति मैन।
ढंग से चाहिए मेरे अरे को। सच्ची पाव वाले फार्म के नीचे एक एरिया है जहाँ पे ब्लॉक मिलेगा आपको, ग्रीन ब्लॉक में एक है चमकीला ब्लॉक, ओके, उसके नीचे एग्जैक्टली है पक्का। अगर नहीं हुई ना भाई मैं वापस आने वाला फिर, ठीक है? हाँ मतलब ठीक ही है, मतलब पर थोड़ा खाना दे के जाओगे तो अच्छा पड़ेगा। खाना तो नहीं दूंगा बट लेट्स गो। पक्का है ना वहाँ पे प्लेस? पक्का है, मैं गारंटी देके मतलब फलाना जी की कसम। अबे साले। ओके फाइनली गाइस ब्लेज रॉड्स मिलने वाली है, और जैसे ही ब्लेज रॉड मिलेगी ना लिंग रिंग के पोषण बनाने वाला, उसके बाद तो भाई कोई भी हमें टच भी नहीं कर सकता इस वर्ल्ड में। ओके वो देखो इनका पाव भाजी वाला फार्म है इनका ये वाला। Let's go. इस फार्म के नीचे ग्रास के पास एक अलग सा ब्लॉक रखा हुआ है। I have no idea कहाँ पे। इसके नीचे बोला इन्होंने। इधर ही है। ओ यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। Let's go. Let's go, let's go, let's go. भाई इन लोगों ने कितने सीक्रेट एरियाज बनाए हुए हैं। यहाँ देख रहे हो तुम लोग ये? यहाँ एक सेकंड, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा यहाँ पे इन्होंने आयरन खोदा हुआ है। ओके लेट्स गो। ऐसे की तहसील लोगों की। ओ माय गॉड बच गया। यहाँ पे लोगों ने ट्रैप लगाया हुआ था इसका मतलब। एक सेकंड, ओ माय गॉड खाली चेस्ट दी हुई इन लोगों ने मेरे को। एक सेकंड रुको। ओ हेलो, ये क्या मजाक है? फिर से स्कैम कर दिया मेरे साथ। यार ये कमाल है यार, जी का दिमाग है भाई। फलाना जी इज लाइक अ ओपी बॉय। फलाना जी का ट्रैप कैसे लगा वैसे? मजा आया। देखो आपने फलाना जी को मारा, अभी आपको ब्लेजेस तो छोड़ो, गिफ्ट भी कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं भाई। आपने धोखा दे दिया। और मैंने तुम लोगों को तुम्हारे घोड़े एकदम सही सलामत जिंदा वापस दिए थे, तभी तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा दिया ना। फिर फलाना जी के साथ जो किया तो फलाना जी मुझे मार देंगे नहीं तो। सही बात है भाई, फलाना जी को हाथ क्यों लगाया? और गाइस मैंने अपना वीसी अभी ऑफ कर दिया भाई, इन लोगों ने डबल गेम खेल दिए यार। मुझे क्या है, हाथ लगाएगा तो हाथ काट देगा फलाना जी, इसकी ऐसी की तैसी। मुझे ना एक्चुअली वहां पे उसको मार देना चाहिए था, उसका पूरा का पूरा डायमंड का आर्मर ना यार छूट जाता है एसजीओ का। बट मैंने उसको मारा नहीं, बिकॉज उसने मुझे बोला कि वहां पर रखी हुई है, वो मुझे मतलब लोकेशन बता देगा ब्लेज रॉड्स की। बट इन लोगों ने ना मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी पहले से लेकर, कि इन लोगों ने एग्जैक्टली क्या करना है, और इन लोगों ने वाला ट्रैप पहले से तैयार करके रखा हुआ था। ओ माय गॉड। बट गाइस कुछ भी हो जाए मेरे को लिंगरिंग पोशन बनाने ही बनाने हैं यार। एक बार लिंगरिंग पोशन बन गए ना भाई, अपन भगवान बन जाएंगे इस वर्ल्ड के, कोई हाथ नहीं लगा पाएगा मेरे को। अगली बार मैं डेफिनेटली ट्राई करने वाला हूँ इनसे ब्लेज रॉड्स निकालने की। टिल देन गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है, कुछ सजेशंस दो मेरे को यार, मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे इनको मैं रोक सकता हूँ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। इस वीडियो का लाइक किया गाइस पूरे के पर 250,000 लाइक्स। एंड गाइस मैं मिलता आप लोगों से ऐसे ही धासू नेक्स्ट वीडियो में, इसी वर्ल्ड की नेक्स्ट वीडियो आने वाली बहुत जल्द। टिल देन स्टे ऑसम, बाय बाय।